तारीख तक, यानी 2 फरवरी से 9 फरवरी तक लगातार इस राज्य में फिल्म दिखाई जा रही है। इसका मात्र उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं बल्कि स्वच्छ मनोरंजन के साथ साथ आप सभी को अवेयर भी करना है, जानकारी भी देना है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रूपम त्रिविक्रम, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आप सभी हमारे उज्ज्वल भविष्य के निर्माताओं का। संदेश दिया जा रहा है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से कि आप लोग हर तीज त्यौहार पर, हर फेस्टिवल और क्योंकि वैलेंटाइन वीक में स्टार्ट हो रहा है तो पौधे भेंट करना ना भूलें एक दूसरे को। थैंक यू। हाँ, एक बार फिर से मीनाक्षी मैम से निवेदन है कि डॉक्टर रंजीत तिवारी जी पीजीपी चेयरपर्सन, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू। और जाने माने अभिनेता जिन्हें राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जी हमें बात कर रही हूँ श्री रविकांत जी की, आपसे निवेदन है। हमारे बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक इकबाल जी हैं, आज इनका जी उनका अभिनंदन इस्तकबाल करें। और ठीक है, श्री रवि रंजन जी से हम निवेदन करते हैं, मैडम सुषमा कुमारी जी ओएसडी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का अभिनंदन, और एक बार आपसे निवेदन, ताली से स्वागत। पुनः रवि रंजन जी से हम निवेदन करते हैं कि पावस मंदिर सर का भी अभिनंदन और स्वागत है। रविकांत जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, रवि रवि। और मैडम मीनाक्षी जी से निवेदन, हमारे बीच श्रीमती संगीता रमन, हमारे राज्य की वो अभिनेत्री जिन्होंने देश में परचम लहराया है, चाहे वो बात घोषणा की हो, बात दूरदर्शन की हो, बात टेलीविजन इंडस्ट्री की हो, तो इनके लिए आपसे हम तालियां जरूर चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इसी बीच मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी जो सचिव महोदया है मैडम वंदना प्रियसी जी, उनकी ओर से आप सभी के लिए शुभकामना संदेश आया है कि आप लोग फिल्म जरूर देखें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये समाज का आईना है। और साथ ही साथ मैडम स्वयं भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन अत्यधिक व्यस्तता कारणों के कारण वो हमारे बीच नहीं है, अभी नहीं आ पाई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का लगातार समाधान यात्रा चल रहा है।